जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस वक्त ये मुहावरा बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान पर फिट बैठ रहा है, जिनकी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था। आज उन्हीं का हिंदू अवतार दुनिया को देखने को मिल रहा है। हाल ही में खान साहब ने अपने हाथों से कलश पूजा क्या की ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गए। सिर पर टोपी पहने, गले में गमछा ओढ़े और हाथों में कलश पकड़े आमिर खान की यही तस्वीरें इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। क्या आमिर खान ने किया है हिंदू बनने का नाटक? क्या आमिर ने किया है हिंदुओं को भरमाने की कोशिश? आमिर खान के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? सोशल मीडिया में जब से आमिर खान की कलश पूजा की तस्वीरें वायरल हुई, तभी से इन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आमिर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा है, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स से हटकर काम करने वाले आमिर खान एक ऐसे कलाकार हैं जो अक्सर अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लीक से हटकर फिल्मों में काम करते हैं, पूरे साल एक फिल्म करते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा देती है। फिर चाहे वो गजनी हो, थ्री इडियट्स हो, पीके हो या फिर दंगल। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हाल ही में फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बुरी तरह से फ्लॉप होने पर आमिर खान ने फिल्मी दुनिया से एक लंबे समय के लिए किनारा कर लिया। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के पीछे आमिर के ही विवादित बयान और पीके में हिंदू देवी देवताओं पर फिल्माए दृश्यों को बताया जा रहा है। खान साहब से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज कम नहीं है। असहिष्णुता पर बोलते हुए ये तक कह दिया था कि इन हालातों में रहने से फैमिली को डर लगता है। इसके बाद तो आमिर की ब्रांड वैल्यू अचानक से गिर गई। फिल्म पीके में जिस तरह हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया और हिंदुओं की आस्था का उपहास उड़ाया गया, उसको लेकर आमिर को धर्मगुरुओं का गुस्सा झेलना पड़ा। 2022 के गुजरात दंगों को लेकर दिए अपने एक इंटरव्यू में आमिर ने इसके पीछे मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया था। इन सबको देखते हुए फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बैन करने की मांग उठी और नतीजतन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अब जाकर खान साहब की पूजा पाठ करते हुए तस्वीरें सामने आई है, जिन पर लोगों के जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं। दरअसल लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने आमिर की पूजा करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। हालांकि अद्वैत चंदन ने अपने पोस्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया कि आमिर खान प्रोडक्शंस के ऑफिस पर किस चीज के लिए ये पूजा रखी गई। इस खास मौके पर आमिर अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ पूजा करते दिखे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हाथ में पूजा की थाली लिए आमिर आरती उतार रहे हैं, अपने हाथों से पूजा में कलश स्थापित कर रहे हैं। आपको उनके माथे पर कुमकुम और हाथ पर कलावा बंधा हुआ नजर आएगा। गौर से देखेंगे तो इसी कलश पूजा में आमिर अपनी पत्नी संग पूरी शिद्दत के साथ शामिल है और अब आमिर की इन्हीं तस्वीरों पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, वाओ क्यूट सुपर्ब आमिर खान जी और किरण राव जी पूजा करते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, एड मिलने बंद हो गए, फिल्में पिटनी शुरू हो गई तो फिर से हिंदू बनने का नाटक शुरू कर दिया है आमिर खान ने, झांसे में मत आना। क्रिएटर पंच नाम से एक तस्वीर में लिखा गया, मान गए खान साहब, आप सच में मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, आपने जनता की नब्स पकड़ ली, टेक अबाउ द मार्केटिंग किंग, लाल सिंह चड्ढा का गहरा असर पड़ा है। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, हिंदुओं को भरमाने की एक और कोशिश। इसके अलावा किसी ने कहा कि यही ताकत है हमारे सनातन धर्म की, किसी ने आगाह किया कि बहरूपियों से सावधान। तो कुछ इस तरह से लोग आमिर खान की इस तस्वीर के फेवर में दिखे, तो कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने उन पर जुबानी तीर छोड़े। वैसे ये पहली बार है जब आमिर खान की इस तरह से पूजा करते हुए तस्वीरें लोगों के सामने आई हों। फिलहाल लोगों को फिल्म सलाम वेंकी में आमिर खान का कैमियो रोल देखने को मिला है। अब उनकी अपकमिंग फिल्मों को जनता की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।